पहला T20 मुकाबला और श्रीलंका वर्सेस इंडिया का दोस्तों यहां पे ये मुकाबले में आपको ज्योतिष विद्या द्वारा दोस्तों आज बताऊंगा कौन सा खिलाड़ी चलने वाला है, किस खिलाड़ी को टीम में लेकर चलना है, किसको ड्रॉप करना है, कौन सा खिलाड़ी गेम चेंजर होगा। देख सकते हैं 13 करोड़ रुपए की दोस्तों यहाँ पे मेगा ग्रांड लीग है। कितने करोड़ रुपए की? 13 करोड़ रुपए दोस्तों यहाँ पे आपको मिलने वाले इनाम में। अब चलिए दोस्तों यहाँ पे आज ज्योतिष विद्या के द्वारा बताऊंगा आज कौन से खिलाड़ी चलने वाले हैं, कौन से फ्लॉप होंगे। बागेश्वर बाबा के आशीर्वाद से दोस्तों आप लोग भी ड्रीम इलेवन में दोस्तों लाखों रुपए कमा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे श्रीलंका वर्सेज इंडिया के मुकाबले में बात करते हैं, यहाँ पे किस खिलाड़ी को लेना है विकेट कीपर सेक्शन से, किस खिलाड़ी को लेकर के चलना है बल्लेबाज सेक्शन से। आपको ए टू जेड जानकारी मिलने वाली है, हर चीज की आपको जानकारी यहाँ पे दोस्तों दी जाएगी। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जबरदस्त तरीके से आप लोग यहाँ पे श्रीलंका वंश अगर बात की जाए कौन सा खिलाड़ी चलेगा, किसको टीम में लेकर चलना है, किसको नहीं लेकर के चलना, देख सकते हैं। सूर्य कुमार यादव है, यशस्वी जायसवाल है, किस खिलाड़ी का दोस्तों आज भाग्य चमकने वाला, कौन सा ड्रीम टीम में शामिल होगा और कौन सा फ्लॉप होने वाला है। उसके बाद ऑलराउंडर सेक्शन में अगर बात की जाए यहाँ पे हार्दिक पांड्या हो गए, वाणी दोसंगा हो गए, दर्शन सनाका हो गए, अक्षर पटेल हो गए, ये सभी खिलाड़ी है दोस्तों ऑलराउंडर सेक्शन में, कौन कप्तान बनेगा, कौन उप कप्तान बनेगा। वही गेंदबाज सेक्शन में बात की जाए तो अर्शदीप सिंह है, महेश बिछाना है, मथीसा पजलाना है, नुआन तुसेरा, डी चमेरा दोनों दोस्तों यहाँ पे नहीं खेलेंगे इस सीरीज में। उसके बाद यहाँ पे मोहम्मद सिराज है, रवि बिश्नोई है, डी मधुशंका है, तो ये सभी गेंदबाज भी हो गए दोस्तों। चलिए फटाफट आप लोग दोस्तों अगर आप लोग भी ड्रीम इलेवन से लाखों रुपए कमाना चाहते हैं दोस्तों, ड्रीम इलेवन से अगर आप लोग भी दोस्तों यहाँ पे लाखों रुपए कमाना चाहते हो तो कमेंट्स बॉक्स में जय सन्यासी बाबा की, जय दादाजी गुरु महाराज की, जय बागेश्वर धाम की, जय बालाजी सरकार की जरूर लिखिएगा। और दोस्तों चलिए आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों आज के मैच आंकड़ों की बात की जाए तो मैच आंकड़ों की अगर हम बात कर ले यहाँ पे किस खिलाड़ी को दोस्तों टीम में लेना है, किस खिलाड़ी को यहाँ पे कौन सी टीम, कितने मैच होने वाले हैं, तीन मुकाबले होने वाले, कितने मुकाबले होंगे, तीन मुकाबले होंगे। अगर यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे इंडिया की बात की जाए या श्रीलंका पिछले जो मैच खेल के आ रहे हैं दोनों टीम, मतलब पांच पांच मुकाबले देख सकते हैं, श्रीलंका पिछला 5 मुकाबले खेली है और सिर्फ 2 मुकाबले जीती है। वही दोस्तों इंडिया की बात कर लेते, इंडिया पिछले 5 मुकाबले में 4 मुकाबले जीत करके आ रही है, कितने मुकाबले, 4 मुकाबले जीत के आ रही है। अब दोस्तों ये मुकाबला कहां पर होगा इसके बारे में बात कर लेते हैं, ये मुकाबला होने वाला है पहले कल इंटरनेशनल स्टेडियम जो कि कैंडी में पड़ता है यहाँ पे होने वाला है। अगर पिच की बात करें तो यहाँ पे ये बैटिंग पिच होने वाली, कौन सी पिच होने वाली है, बैटिंग पिच मतलब आपको बल्लेबाज यहाँ पे रन बनाते हुए दिखाई देने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे पेसर्स को ज्यादा विकेट मिलेगी, किसको मिलेगी, पेसर्स को यहाँ पे दोस्तों विकेट मिल रही है। मौसम के भी आसार रहेंगे, देखना होगा बारिश होगी दोस्तों कैंडी, वैसे तो बारिश बहुत ज्यादा होती है बट आज के मुकाबले में बारिश नहीं होगी, मुकाबला हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। अगर इंडिया पहले बैटिंग करती तो आपको दोस्तों इस पिच पर जो कैंडी यहाँ पे पहले कल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम कैंडी है दोस्तों, अगर इंडिया पहले बैटिंग करेगी तो इस पिच पर आपको कम से कम यहाँ पे दोस्तों कितने रन बन जाएंगे, इंडिया अगर बैटिंग करे तो 190-200 भी बन सकते हैं, क्योंकि दोस्तों 200 पार ही हो सकते हैं। शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत जैसे धाकड़ बल्लेबाज यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, सूर्य कुमार यादव जैसे T20 के नंबर 1 बल्लेबाज हैं और सूर्य कुमार यादव कप्तानी भी कर रहे हैं, तो दोस्तों रन बनने के ज्यादा चांस रहेंगे, बैटिंग पिच है। अगर यहाँ पे कुल विकेट की बात की जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं कुल विकेट 60 है यहाँ पे, और पेसर्स को यहाँ पे 32 विकेट मिले हैं और स्पिनर्स को 28 विकेट मिले हुए हैं। आप दोस्तों यहाँ पे चलिए बात कर लेते, देख सकते हैं बागेश्वर बाबा के आशीर्वाद से बात करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों 13 मुकाबले खेले गए श्रीलंका वर्सेज इंडिया के बीच में, और श्रीलंका ने 4 मुकाबले जीते और इंडिया ने 8 मुकाबले जीते हैं। तो आपने देख लिया जबरदस्त तरीके से दोस्तों यहाँ पे टीम के बारे में, यहाँ पे क्या दोस्तों यहाँ पे मेन टीम यहाँ पे दोस्तों आप बात कर लेते हैं यहाँ पे आप लोग दोस्तों टीम बनाने से पहले एक बार और जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में जय बालाजी महाराज जरूर लिखेगा। चलिए अब दोस्तों विकेट कीपर सेक्शन में बात की जाए तो विकेट कीपर सेक्शन में कुशल मेंडी सर 74% सिलेक्शन रेट के साथ में, ऋषभ पंत 83% सिलेक्शन रेट के साथ में। आप दोस्तों अगर बात कर लेते हैं कुशल मेंडी भी टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज है, ऋषभ पंत 3 नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे विकेट कीपर सेक्शन में, कुशल परेरा है और यहाँ पे संजू सैमसन है, तो 3-4 विकेट कीपर है। बस दोस्तों अगर विकेट कीपर की बात की जाए यहाँ पे दोस्तों आपके सामने 2 विकेट कीपर गेम चेंजर है। कौन कौन से विकेट कीपर आपको टीम में लेकर चलने हैं, कुशल मेंडिस को लेकर चलना बागेश्वर बाबा के आशीर्वाद से, कुशल मेंडिस मिथुन राज के जातक है और ये लंका प्रीमियर खेल के आ रहे दोस्तों, वहां पे बहुत ही अच्छे रन बना के आए हैं। कौन मिथुन राज के जातक यहाँ पे दोस्तों आपको ले चलना है, इसको लेकर चलना दोस्तों बागेश्वर बाबा के आशीर्वाद से, कुशल मेंडिस मिथुन राज के जातक आज ड्रीम टीम में जरूर खेलते हुए दिखाई देंगे और इनका भाग्य भी बहुत अच्छा साथ दे रहा है कुशल मेंडिस का, लंका प्रीमियर लीग में शतक दिमाग के आ रहे हैं।
वह ऋषभ पंत दोस्तों अब वर्ल्ड कप खेलने के बाद दोस्तों अब यहाँ पे ऋषभ पंत दोस्तों मुकाबला यहाँ पे दोस्तों चालू कर दिया, मतलब ऋषभ पंत दोस्तों यहाँ पे आए हैं श्रीलंका के इस लीग में विकेट कीपिंग करने के लिए। अब ऋषभ पंत की बात की जाए तो ये तुला राज के जातक है, किस राज के जातक है, तुला राज के जातक है। वर्ल्ड कप में दोस्तों बहुत ही अच्छा योगदान दिया है, बट लास्ट यहाँ पे दोस्तों पांच मुकाबले में ऋषभ पंत ने लास्ट के कुछ मुकाबले में उतना अच्छा योगदान नहीं दिया था, बट यहाँ पे शुरुआती मुकाबले में ऋषभ पंत ने धाकड़ बल्लेबाजी करी थी वर्ल्ड कप में। वर्ल्ड कप दोस्तों बहुत पुराना, आपको स्कोर नहीं बताएंगे कि बहुत साल पुराना बताएंगे और उससे कोई मतलब नहीं। रिसेंट में अभी कोई मैच यहाँ पे अभी हुए नहीं दोनों टीम के सामने, तो आपको दोस्तों यहाँ पे पिछले मुकाबले के आंकड़े तो आपको हमने बता ही रखे हैं वर्ल्ड कप में ऋषभ पंत के किस प्रकार से खेले थे। तो अब दोस्तों ये दोनों विकेट बागेश्वर और काशीवास से विकेट कीपर सेक्शन में आपको लेकर चलने हैं, क्योंकि ये टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज है। कुशल मेंडिस से आपको ड्रीम टीम में खेलते हुए दिखाई देंगे और यहाँ पे ऋषभ पंत भी आपको ड्रीम टीम में खेलते हुए दिखाई देंगे। चलिए अब बल्लेबाज सेक्शन में बात कर लेते हैं, बल्लेबाज सेक्शन में बात करते हैं, आपके सामने देख सकते हैं 74% सिलेक्शन रेट यहाँ पे देख सकते हैं। बल्लेबाज सेक्शन में 85% सिलेक्शन रेट है दोस्तों, कुंभ राज के जातक सूर्य कुमार यादव का, यशस्वी जायसवाल हो गए, प्रथम निशंका दोस्तों ये भी लंका प्रीमियर है, शुभमन गिल 63% सिलेक्शन रेट के साथ में। और दोस्तों यहाँ पे बल्लेबाज सेक्शन में अगर बात की जाए तो कौन कौन से खिलाड़ी आपके सामने रहने वाले हैं, देख सकते हैं यहाँ पे चरित असलंका है, रिंकू सिंह है, कमेंडू मेंदुस है, तो यहाँ पे देख सकते हैं अविष्का फर्नांडो है, तो काफी सारे खिलाड़ी दिखाई दे रहे हैं। चलिए दोस्तों सभी खिलाड़ियों के बारे में बात करते हैं, कौन सा खिलाड़ी गेम चेंजर होगा, कौन सा फ्लॉप होने वाला है। और दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं जो आपके सामने खिलाड़ी दिखाई दे रहे हैं, वो खिलाड़ी आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे खिलाड़ी आपके सामने दोस्तों हाजिर हो चुके हैं। चलिए दोस्तों अब यहाँ पे विकेट कीपर सेक्शन से तो आपने देख लिया कौन कौन विकेट कीपर है और बल्लेबाज सेक्शन में कौन कौन से बल्लेबाज लेकर जाने हैं वो भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। जबरदस्त दोस्तों आपके सामने ये यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से यहाँ पे दोस्तों बल्लेबाज सेक्शन से खिलाड़ी लेकर जा रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे अगर बल्लेबाज सेक्शन में बात की जाए इंडिया वर्सेस श्रीलंका मुकाबले में बागेश्वर बाबा के आशीर्वाद से आज के मुकाबले में देख सकते हैं आपके सामने सूर्य कुमार यादव है बैटिंग पिच है और यहाँ पे यशस्वी जायसवाल है, प्रथम निशंका हो गए और यहाँ पे देख सकते हैं प्रथम निशंका हो गए, शुभमन गिल हो गए और यहाँ पे चरित असलंका हो गए, कमिंदू मेंदुस हो गए, देख सकते हैं यहाँ पे रिंकू सिंह हो गए, ये सात बल्लेबाज दिखाई दे रहे हैं। और सात बल्लेबाजों की बात करें तो आपको कौन कौन से बल्लेबाज लेकर जाना है, कौन कौन से बल्लेबाज ड्रॉप करना है, ये भी दोस्तों आपको बागेश्वर बाबा के आशीर्वाद से बताएंगे। सूर्य कुमार यादव दोस्तों चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे, कितने नंबर पर, चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे सूर्य कुमार यादव और यहाँ पे शुभमन गिल यशस्वी जायसवाल, ये दोनों दोस्तों अगर बात कर लेते हैं दोनों यहाँ पे दोस्तों आपको एक साथ लेकर के नहीं जाना, आपको या तो शुभमन गिल को लेना है या फिर दोस्तों यहाँ पे यशस्वी जायसवाल को, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे मथिसा पजराना चेन्नई सुपर किंग की तरफ से बॉलिंग कराते हैं आईपीएल में और वो गेंदबाज बहुत ही खातक साबित होगा, तो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज शुभमन गिल या यशस्वी जायसवाल इन दोनों में कोई ना कोई एक थोड़ा सा मतलब ड्रीम टीम में आ सकता है, बट उतने अच्छे पॉइंट्स नहीं दे सकता कि ये 60-70 रन की पारी दोनों मिलकर खेल जाए, एक थोड़ा जल्दी आउट हो सकता है 20 रन के आसपास में, तो इस वजह से आपको दोस्तों शुभमन गिल और यहाँ पे यशस्वी जायसवाल में एक खिलाड़ी को रिस्क लेना पड़ेगा, वो किस खिलाड़ी को ड्रॉप करना अभी टीम दोस्तों दूंगा जब तब बताऊंगा कि यहाँ पे यशस्वी जायसवाल को ड्रॉप करना है टॉप ऑर्डर में या फिर दोस्तों यहाँ पे यशस्वी जायसवाल को या शुभमन गिल को, तो आपको दोस्तों इन दोनों में एक खिलाड़ी लेकर चलना है। वही दोस्तों बात कर लेते हैं प्रथम निशंका की, तो प्रथम निशंका दोस्तों यहाँ पे श्रीलंका के ओपनर बल्लेबाज है बट इनकी लंका प्रीमियर में उतनी अच्छी फॉर्म नहीं है, तो ये फ्लॉप चल रहे हैं और आर श्रीदेव सिंह और मोहम्मद सिराज रवि बिश्नोई की गेंदबाजी के सामने प्रथम निशंका दोस्तों आपको ड्रीम टीम में जगह बनाते हुए दिखाई दे सकते हैं बट बहुत लंबी पारी हुई नहीं खेलते हुए, तो अगर आप लोग रिस्क लेते हैं इनका होम ग्राउंड रहेगा दोस्तों प्रथम निशंका तो आपको ड्रीम टीम में कुछ ना कुछ रन बनाते हुए दिखाई दे सकते हैं प्रथम निशंका की बात करते हैं। अब बात आती है दोस्तों गेम चेंजर खिलाड़ी कौन कौन से होंगे बल्लेबाज सेक्शन में, तो सूर्य कुमार यादव दोस्तों एक गेम चेंजर खिलाड़ी हो सकते हैं, ये 40 से 50 रन की तूफानी पारी खेल सकते हैं, कितने रन की 40 से 50 रन की। और दोस्तों यह भी बात कर लेते हैं श्रीलंका तरफ से गेम चेंजर खिलाड़ी कौन सा रहेगा, कुशल मेंडिस, कुशल मेंडिस आपके लिए दोस्तों गेम चेंजर खिलाड़ी हो सकता है, ये खिलाड़ी लंका प्रीमियर लीग में बहुत ही अच्छी पारियां खेल के आ रहा है, ये खिलाड़ी गेम चेंजर है बागेश्वर बाबा के आशीर्वाद से, गेम चेंजर खिलाड़ी आपके सामने सूर्य कुमार यादव और कुशल मेंडिस होने वाले हैं। अब दोस्तों आज के मैच में ड्रॉप किसको करना है, यहाँ पे रिंकू सिंह को ड्रॉप करके चलना है दोस्तों, आपको ड्रीम टीम में नहीं लेना, आखिरकार रिंकू सिंह को क्यों नहीं लेकर के जाना, इसकी बड़ी वजह है क्योंकि दोस्तों रिंकू सिंह इसलिए नहीं लेकर जाना क्योंकि इंडिया के पास इतने सारे बैट्समैन है, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत, सूर्य कुमार यादव और दोस्तों यहाँ पे आपके सामने आ जाते हैं बहुत सारे खिलाड़ी आपके सामने देख सकते हैं 4 से 5 बल्लेबाज आ जाते हैं, उस वजह से हार्दिक पांड्या होगा तो रिंकू सिंह के दोस्तों बैटिंग बहुत नीचे आएगी, तो उस वजह से आप रिंकू सिंह को टीम में लेकर के मत जाना,
क्योंकि रिंकू सिंह की आज बैटिंग नहीं आने वाली, तो रिंकू सिंह को आपको ड्रॉप करके चलना है। बट दोस्तों वहीं पे दोस्तों श्रीलंका की तरफ से कौन से बल्लेबाज आपके लिए रिस्की बल्लेबाज हो सकते हैं, कप्तान चरित असलंका उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे दोस्तों आपको चरित असलंका को ड्रॉप करके जाना है श्रीलंका की तरफ से। तो आप दोस्तों समझ गए होंगे कि बल्लेबाज सेशन में किस किस खिलाड़ी को लेकर चलना है। अब दोस्तों आपने देखा पहले तो ये शशि जायसवाल को लेकर चलना है, सूर्य कुमार यादव को लेना है और दोस्तों यहाँ पे रिकमंडू मेंडिस, ये तीन खिलाड़ी आपको 100% लेकर चलना है। आप चौथा बल्लेबाज की बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों आप लोग किसको लेकर जा सकते हैं, पथन निशंका या फिर शुभमन गिल, इन दोनों में एक ही लेकर जाना, दोनों मत लेकर के जाना, पथन निशंका या फिर दोस्तों शुभमन गिल, इन दोनों जाना है। अब दोस्तों आपने यहाँ पे चार बल्लेबाज लेकर जाना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बागेश्वर बाबा के आशीर्वाद से बहुत तगड़ा योगदान रहने वाला है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं, चलिए अब आपने यहाँ पे देख लिया है बागेश्वर बाबा के आशीर्वाद से दोस्तों जितने भी खिलाड़ी थे बल्लेबाज सेक्शन से, आपने सभी बल्लेबाजों के बारे में जाना कि किस बल्लेबाज को लेकर चलना, किसको ड्रॉप करना है। अब बारी ऑलराउंडर सेक्शन में, देख सकते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में आपके सामने अगर बात की जाए तो 90% सिलेक्शन रेट है वानु दशरंगा का, हार्दिक पांड्या का 94% सिलेक्शन रेट है, दशन सनाका हो गए और अक्षर पटेल हो गए, शिवम दुबे हो गए, देख सकते हैं 69% अक्षर पटेल का सिलेक्शन रेट है और वाशिंगटन सुंदर है। तो अगर दोस्तों ऑलराउंडर सेक्शन में बात की जाए तो दोस्तों आपके सामने सभी ऑलराउंडर हाजिर होने वाले हैं जो ऑलराउंडर आपको टीम में लेकर चलने हैं। तो अब दोस्तों यहाँ पे चलिए बात कर लेते हैं आज के मैच में ऑलराउंडर किसको लेकर चलना है, किसको ड्रॉप करना है। तो ऑलराउंडर सेक्शन में बात कर लेते हैं यहाँ पे दोस्तों हार्दिक पांड्या, वानु दशरंगा, ये दोनों ऑलराउंडर आपके लिए गेम चेंजर है और दोनों ऑलराउंडर को आपको टीम में ड्रॉप नहीं करना। हार्दिक पांड्या को भी लेकर चलना है, वानु दशरंगा को लेकर चलना बागेश्वर बाबा का आशीर्वाद से, ये दोनों ऑलराउंडर आपके लिए गेम चेंजर होंगे। उसके बाद दोस्तों प्लेइंग 11 में अगर बात की जाए यहाँ पे आपके सामने शिवम दुबे और यहाँ पे वाशिंगटन सुंदर, इन दोनों में एक ही ऑलराउंडर आपको ड्रीम टीम में खेलता हुआ दिखाई देगा, या तो यहाँ पे वाशिंगटन सुंदर खेलते हुए दिखाई देंगे या फिर दोस्तों शिवम दुबे। तो अगर दोस्तों शिवम दुबे दोस्तों यहाँ पे रहते हैं तो शिवम दुबे को आपको टीम में लेकर के नहीं जाना। अगर वाशिंगटन सुंदर खेलते हैं, ये दोस्तों अभी तक बहुत ही अच्छी फॉर्म में आए हैं और अच्छा प्रदर्शन करके आ रहे हैं जिम्बाब्वे के सामने, और वर्ल्ड कप में शिवम दुबे का आपने प्रदर्शन देखा उतना कुछ अग्रेसिव यहाँ पे प्रदर्शन शिवम दुबे का आपको देखने को नहीं मिला है, तो शिवम दुबे को आपको टीम में लेकर के नहीं जाना। उसके बाद यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं आपके सामने हार्दिक पांड्या होगा जो कि अच्छे हिटर गेंदबाज भी है, पेसर्स भी रहेंगे, और दोस्तों वानी दशरंगा, ये दोनों गए। अगर यहाँ पे वाशिंगटन सुंदर खेलते हैं तो ये दोस्तों आपको वाशिंगटन सुंदर लेकर जाना है, शिवम दुबे को मत लेकर के जाना। तीन ऑलराउंडर तो आपके सामने दोस्तों हो गए। अब दोस्तों बात आती है दशन सनाका को ले या अक्षर पटेल को, इन दोनों में दोस्तों अक्षर पटेल और दशन सनाका, ये दोनों खिलाड़ी गेम चेंजर होने वाले हैं। दशन सनाका भी आपको एक अच्छा पारी खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं ड्रीम टीम में, और अक्षर पटेल, तो दोस्तों आपको अक्षर पटेल को लेकर जाना है या फिर दशन सनाका को, इन दोनों में आपको एक खिलाड़ी लेकर के जाना है। अक्षर पटेल अगर पहली बैटिंग यहाँ पे नहीं आती, सेकेंड इनिंग में बैटिंग आती है तो दोस्तों अक्षर पटेल को लेकर जाना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर फर्स्ट इनिंग में आती तो फिर आप दशन सनाका की तरफ जा सकते हैं। तो बागेश्वर बाबा के आशीर्वाद से आपने ऑलराउंडर सेक्शन में देख लिया, शिवम दुबे को यहाँ पे दोस्तों टीम में ड्रॉप करके चलना है, टीम में लेकर के नहीं जाना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ बात कर लेते हैं, चलिए अब आपने ऑलराउंडर सेक्शन से भी देख लिया किस किस खिलाड़ी को लेना है और कौन कौन से खिलाड़ी दोस्तों गेम चेंजर होने हैं, किनको ड्रॉप करना है टीम से। अब बात आती गेंदबाजी सेक्शन में, गेंदबाज सेक्शन में 90% सिलेक्शन रेट है अर्शदीप सिंह का, 90% सिलेक्शन रेट अर्शदीप सिंह, महेश दिशाना भी रहने वाले हैं 20%, लंका प्रीमियर लीग में उतना अच्छा नहीं कर पाए, मथीसा पथराना 76% सिलेक्शन रेट, ये भी रहेंगे, मोहम्मद सिराज भी खेलेंगे फास्ट गेंदबाजी के लिए, और यहाँ पे आपके सामने रवि बिश्नोई भी दोस्तों खेलेंगे, रवि बिश्नोई खेलेंगे, नुआन बिसेरा खेलते तो टीम में लेते, और यहाँ पे दोस्तों मधुशंकर हो जाएंगे, और दोस्तों यहाँ पे गेंदबाज में बात कर लेते हैं आपके सामने हो सकते हैं खलील अहमद भी हो सकते हैं, खलील अहमद देखना होगा नहीं रहेंगे चलिए, क्योंकि मोहम्मद सिराज आ चुके हैं। तो आप दोस्तों आपके सामने जो गेंदबाज आ चुके हैं, ये गेंदबाज 6 गेंदबाज आपके सामने आए, महेश दिछाना हो गए, और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं अर्शदीप सिंह हो गए, मथीसा पथराना हो गए, रवि बिश्नोई है स्पिन गेंदबाज में, और मोहम्मद सिराज रहेंगे, मधुशंकर, ये दोस्तों 6 गेंदबाज। अब 6 गेंदबाज में आपको कौन कौन सी गेंदबाज आपको कितने कितने विकेट लेकर के दे सकते हैं, तो दोस्तों पहली बात महेश दिछाना को आपको दोस्तों ड्रॉप करके चलना आंख मूंद करके, उसके बाद मधुशंकर को भी आप लोग ड्रॉप कर सकते हैं, ये दोनों गेंदबाज आपको लेकर के नहीं जाने। अब आपके सामने 4 गेंदबाज बनते हैं, अर्शदीप सिंह को 100% लेकर चलना है बागेश्वर बाबा के आशीर्वाद से, मेष राशि के जातक 3 विकेट या फिर दोस्तों आपको 2 विकेट 100% अर्शदीप सिंह देने वाले हैं। दूसरी चीज मथीसा पथराना, ये दोनों आपको चाहे मेगा ग्रांड लीग हो या स्मॉल लीग हो, दोनों खिलाड़ी लेकर जाना है,
मथीसा पथराना और यहाँ पे दोस्तों आपको अर्शदीप सिंह, ये दोनों गेंदबाज लेकर जाने ही जाने। अब दोस्तों यहाँ पे तीसरी चीज बताते हैं, अगर इंडिया पहले गेंदबाजी कराती है तो मोहम्मद सिराज को भी ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे रवि बिश्नोई बनते हैं, रवि बिश्नोई दोस्तों आपको सेकंड इनिंग में लेकर जाना है, स्पिन गेंदबाजी में ये विकेट टेकर गेंदबाज हो सकते हैं रवि बिश्नोई। तो आपके सामने चार गेंदबाज हैं, चार गेंदबाज में आप तीन गेंदबाज लेकर जा सकते हैं, या फिर रिस्क लेना तो आप लोग दोस्तों यहाँ पे रिस्क भी ले सकते हैं रवि बिश्नोई की जगह, या फिर मोहम्मद सिराज की जगह पे आपको यहाँ पे डी मधुशंकर आप लोग ले जा सकते हैं, किसके जगह पर, मोहम्मद सिराज की जगह पर। तो इस प्रकार से आप लोग कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, आई होप आपको कॉम्बिनेशन भी समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों आप फटाफट बागेश्वर बाबा का एक बार दोस्तों आप लोग यहाँ पे बहुत ही दोस्तों आशीर्वाद रहेगा आप लोगों के ऊपर, और बागेश्वर बाबा के आशीर्वाद से आप लोग लाखों रुपए कमा सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग फटाफट दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में जाइएगा, कमेंट्स बॉक्स में आपको दोस्तों यहाँ पे बागेश्वर बाबा के आशीर्वाद से आप लोग दोस्तों बहुत ही अच्छी तरीके से विनिंग कर सकते हैं। तो कमेंट्स बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं जय बागेश्वर धाम की, जय सन्यासी बाबा की, जय बालाजी महाराज की, जय बागेश्वर धाम की, और बागेश्वर बाबा के आशीर्वाद से यहाँ पे आप लोग दोस्तों बहुत सारा पैसा विन कर सकते हैं। चलिए बागेश्वर बाबा के आशीर्वाद, टीम भी बहुत ही लाजवाब बनने वाली है, टीम में कोई कमी नहीं होगी दोस्तों। विकेट कीपर सेक्शन से ऋषभ पंत और कुशल मेंडिस को लेकर जाना है, किसको, ऋषभ पंत कुशल मेंडिस को लेना है, सूर्य कुमार यादव को लेना है, यशस्वी जायसवाल को लेना है, शुभमन गिल को ड्रॉप करना है। और दोस्तों यहाँ पे आपके सामने आ जाते हैं सूर्य कुमार यादव को, यहाँ पे दोस्तों आप लोग प्रथम निशंका को ले सकते हैं, चरित असलंका को ड्रॉप करना है, कमिंदु मेंडिस को लेना है। तो ये चार खिलाड़ी आपको लेकर चलने हैं, देख सकते हैं यहाँ पे आपके सामने प्रथम निशंका के ऊपर रिस्क लिया गया और शुभमन गिल को ड्रॉप करने का रिस्क लिया गया। हालांकि दोस्तों दूसरी टीम अगर बनाना रिस्क टीम, उसमें आप लोग दोस्तों यहाँ पे प्रथम निशंका को ड्रॉप कर देना या फिर शुभमन गिल को लेकर जाना, तो आप दोस्तों या फिर दोस्तों ये कर सकते हैं यहाँ पे दोस्तों यहाँ प्रथम निशंका को ड्रॉप करके शुभमन गिल को ले जा सकते हैं, प्रथम निशंका। इन दोनों में एक ही खिलाड़ी दोस्तों, दोनों ओपनर है, एक श्रीलंका का एक इंडिया का, एक फ्लॉप होने वाला है इस बात की गारंटी है। उसके बाद यहाँ पे चलिए देख लेते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में वाणी दसरंगा हार्दिक पांड्या दोनों लेकर जाने हैं, तीसरे नंबर पर आपको अक्षर पटेल लेकर जाना है, तो अक्षर पटेल को लेकर जाना है। आप दोस्तों गेंदबाज सेक्शन में बात कर लेते हैं, अर्शदीप सिंह 100% है, मथीसा पथराना हो गए, ये दोस्तों आपने देख लिया तीन गेंदबाज हो गए। अब दोस्तों यहाँ पे आपकी बात कर लेते हैं, अगर दोस्तों आप लोग यहाँ पे अक्षर पटेल को ड्रॉप करके आप लोग यहाँ पे मोहम्मद सिराज या अर्श यहाँ पे रवि बिश्नोई को लेकर जा सकते हैं, वो भी दोस्तों बहुत ही अच्छे गेंदबाज रहने वाले हैं। तो आप दोस्तों यहाँ पे आपने देख लिया जबरदस्त तरीके से जो टीम बनी है, हालांकि एक गेंदबाज यहाँ पे हमारे पास कम है, तो गेंदबाज सेक्शन में अगर दोस्तों आपको एक गेंदबाज और लेकर जाना है तो आप लोग यहाँ पे अक्षर पटेल को ड्रॉप करके दोस्तों, या फिर अक्षर पटेल आपके लिए गेम चेंजर रहने वाले हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या फिर दोस्तों आप लोग यहाँ पे क्या करिएगा, कुशल मेंडिस को ड्रॉप करके एक गेंदबाज बढ़ा सकते हैं, वो गेंदबाज कौन सा हो सकता है दोस्तों, यहाँ पे आप लोग मोहम्मद सिराज को ले सकते हैं, श्रीलंका के सामने ये बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करा सकते हैं, मोहम्मद सिराज विकेट टेकर गेंद बॉलर रहने वाले हैं। मोहम्मद सिराज ने देखा होगा आपने जबरदस्त तरीके से, ये दोस्तों आपके सामने, या फिर दोस्तों मोहम्मद सिराज की जगह पर आप लोग रवि बिश्नोई को ट्राई कर सकते हैं। तो ये दोस्तों आपने देख लिया दोस्तों जबरदस्त तरीके से, ऋषभ पंत हो गए विकेट कीपर में, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों आपके सामने काफी सारे खिलाड़ी दिखाई दे रहे दोस्तों यहाँ पे। चलिए आपको बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों, आप लोग शुभमन गिल को ड्रॉप करके कुशल मेंडिस को ही लीजिएगा दोस्तों, शुभमन गिल भी एक घातक बल्लेबाज है, बट दोस्तों कहीं ना कहीं आपको आज के मैच में शुभमन गिल को ऊपर रिस्क लेना पड़ेगा और यहाँ पे कुशल मेंडिस को टीम में लेते हैं। अब दोस्तों ये जो टीम बनी है बागेश्वर बाबा के आशीर्वाद से, ये टीम देख सकते हैं, एक तरफ यहाँ पे देख सकते हैं कुशल मेंडिस है, ऋषभ पंत है, सूर्य कुमार यादव, यशस्वी जायसवाल, कमिंदु मेंडिस, हार्दिक पांड्या है, यहाँ पे देख सकते हैं वाणी दसरंगा, अक्षर पटेल, रवि, यहाँ पे अर्शदीप सिंह, मथीसा पथराना और यहाँ पे मोहम्मद सिराज, तो ये सभी खिलाड़ी आपको दिखाई दे रहे हैं। अब दोस्तों कप्तान कप्तान बनाना, चलिए आपको बात कर लेते हैं आज के मैच पे कप्तान कप्तान किसको लेना है, किसको नहीं लेकर के जाना। कप्तान कप्तान की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आज के मैच में आप लोग यशस्वी जायसवाल को कप्तान कर दीजिएगा, यहाँ पे वाइस कैप्टन दोस्तों आप लोग यहाँ पे हार्दिक पांड्या को करना है, किसको, हार्दिक पांड्या को। तो बागेश्वर बाबा के आशीर्वाद से पहला कॉम्बिनेशन आ चुका है जो की बहुत ही ज्यादा सेफ है, रिस्की बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे यशस्वी जायसवाल कप्तान करना, वाइस कैप्टन आप लोग यहाँ पे हार्दिक पांड्या को कर सकते हैं। अब दोस्तों अगला कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, यहाँ पे सूर्य कुमार यादव को आप यहाँ पे ऋषभ पंत को कप्तान कर सकते हैं और यहाँ पे वाणी दसरंगा को वाइस कैप्टन कर सकते हैं, ये तीसरा कॉम्बिनेशन आ चुका है, ऋषभ पंत को आप लोग कप्तान कर सकते हैं, ये दूसरा कॉम्बिनेशन है, सॉरी यहाँ पे ये दूसरा कप्तान है, यहाँ पे ऋषभ पंत को कप्तान, वाणी दसरंगा को वाइस कैप्टन। चलिए इसके बाद दोस्तों यहाँ पे तीसरे कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, तो आप लोग सूर्य कुमार यादव को कप्तान कर सकते हैं, सूर्य कुमार यादव को कप्तान कर सकते हैं और दोस्तों यहाँ पे अर्शदीप सिंह को वाइस कैप्टन कर सकते हैं। तीसरा कॉम्बिनेशन भी दोस्तों आपके सामने हाजिर हो चुका है,
सूर्य कुमार यादव को कप्तान करना है और वाइस कैप्टन आप लोग यहाँ पे किसको करना है, वाइस कैप्टन आप लोग अर्शदीप सिंह को कर सकते हैं। चौथा कॉम्बिनेशन आप लोग दोस्तों यहाँ पे बना सकते हैं, मथिसा पथराना को यहाँ पे दोस्तों वो कप्तान कर सकते हैं और वाइस कैप्टन आप लोग कर सकते हैं किसको, वाइस कैप्टन कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पे वानी दशरंगा को। यहाँ पे श्रीलंका अगर दोस्तों कप्तान बनती है तो श्रीलंका अगर जीतेगी, ये कॉम्बिनेशन चौथा कॉम्बिनेशन रहेगा। पांचवा कॉम्बिनेशन आप लोग अपने मन से ट्राई करिएगा और टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिएगा। कमेंट बॉक्स में जय वागेश्वर धाम जय सन्यासी बाबा जरूर लिखे दोस्तों, आपकी बहुत ज्यादा यहाँ पे मनोकामना पूरी होगी। चलिए मिलते फिर आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय बालाजी सरकार की। और टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिएगा।